हाय एवरीवन वेलकम टू अनकेडमी एस एंट यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के गेट क्वेश्चन तो मज़ा आएगा क्योंकि एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ने वाले हैं मेक श्योर आप ये लेसन पूरा देखते हो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ गेट 2015 थाउजेंड मैकेनिकल के पेपर में आया था इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर फोर पी ऑफ वाई इज ईक्वल टू वन ओवर थ्री एंड पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज़ वन ओवर दी वैल्यू ऑफ पी ऑफ वाई ओवर एक्स इज वॉट ऑप्शन ए वन ओवर फोर ऑप्शन बी फोर बाई ट्वेंटी फाइव ऑप्शन सी वन बाई थ्री या फिर ऑप्शन डी ट्वेंटी नाइन बाई फिफ्टी वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें तो चलिए देखते हैं सल्यूशन हमें फाइंड करना है पी ऑफ वाई ओवर एक्स हमारे पास दे रखा है पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थियरम का कॉन्सेप्ट है जिसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो इसको देखना कैसे चाहिए अगर एक्स और वाई इवेंट को साथ में होना है प्रोबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी सेड एस कि पहले एक्स इवेंट हो चुका है और फिर एक्स होने के बाद वाई हो सकता है मेकिंग सेंस या फिर कोई कह सकता था अगर x और y को होना है तो कुछ ऐसे भी हो सकता है पहले y हो चुका है और फिर y होने के बाद X होने वाला है दैट कैन ऑल्सो हैपन तो P ऑफ X इंटरसेक्शन Y का यही मतलब होता है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स पहले X, X के बाद Y, या फिर पहले Y, फिर Y के बाद X. एंड दिस कम्स अंडर द मल्टीप्लीकेशन थियरम बहुत ही सिंपल सा है अब इस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए सिंस वी हैव टू फाइंड पी ऑफ वाई ओवर एक्स क्या होगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज जो हमें चाहिए वो टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है राइट right? चलिए तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला के हिसाब से पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्वेश्चन में दे रखा था दैट वॉज वन अपॉन टी ऑफ एक्स भी क्वेश्चन में दिया है एंड वी हैव टू फाइंड पी ऑफ वाई ओवर एक्स सो जस्ट वी अरेज पी ऑफ वाई ओवर एक्स कम्स आउट टू बी वन बाई अपॉन वन बाई फोर फोर ऊपर चला जाएगा ट्वेल्व नीचे आ जाएगा दी आंसर इज वन अपॉन थ्री सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है चलिए आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सबसे खतरनाक है क्योंकि स्टूडेंट से सॉल्व ही नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाई करूँ तो आप मेरा स्टाइल फॉलो करना इफ़ यू वांट द सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ऑफ़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन वर्ड प्रॉब्लम ये क्वेश्चन 1992 गेट पेपर में आया है दी चांस ऑफ स्टूडेंट

मैं बहुत सारे स्टूडेंट से यही सुनता हूँ सर हमको समझ ही नहीं आता कि कंडीशनल प्रोबिली का प्रोबिलिटी का क्वेश्चन कब है या टोटल प्रोबिलिटी कब लगाना है या बीस थियरम कब लगाना है तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना इवेंट्स को मार्क्स करते जाओ है ना यू जस्ट मार्क द इवेंट दी चांस ऑफ स्टूडेंट पासिंग एन एग्जामिनेशन ये एक इवेंट हो गया उसकी कुछ प्रोबिलिटी दे रखी है फिर दूसरा इवेंट आप अगर पढ़ रहे थे तो देखो दी चांस ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग दी एग्जामिनेशन ये तो प्रीवियस वाला इवेंट है एंड मीन्स इंटरसेक्शन गेटिंग अबाउ नाइन्टी परसेंट ये दूसरा इवेंट था गेटिंग अबाउ नाइन्टी परसेंट इज माई सेकेंड इवेंट इन द एग्जामिनेशन और उसका कुछ प्रॉबलिटी दिया है फिर यह जो वर्ड है गिवन दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यही आपको बताता है दैट वी आर डीलिंग विथ कंडीशनल प्रॉबलिटी गिवन दैट गिवन दैट का मतलब ये हो चुका है ना दिस इज डन अब उसके आगे क्या होगा उसका प्रॉबलिटी आप मेरे को बताओ जैसे ये क्या कह रहे हैं गिवन दैट अ स्टूडेंट पासिस दी एग्जामिनेशन ये हो चुका है अब आप बताओ प्रोबलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स अबाउ नाइन्टी परसेंट इज वॉट दिस यू हैव टू फाइंड चलिए इसको वन बाई वन लिखते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में यू विल गेट एवरी थिंग जैसे हमारा सबसे पहला इवेंट ए विच इज पासिंग एंड एग्जाम उसका परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट है तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहेंगे ट्वेंटी बाई हंड्रेड मेक सेंस राइट विच इज़ ज़ीरो पॉइंट टू क्लियर अब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है केयरफुल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दो इवेंट थे पासिंग दी एग्जाम एंड गेटिंग अबाउ नाइन्टी परसेंट तो यहाँ पर एक दूसरा इवेंट लेट मी चेंज दी कलर

अब हमें फाइंड क्या करना है वी हैव टू फाइंड गिवन दैट अ स्टूडेंट पासिस द एग्जामिनेशन देखो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूँ ये गिवन दैट के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे देखते हैं देखो जनरली क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर राइट यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बट ये कहना क्या चाहता है लाइक like डिनोमिनेटर वाली इवेंट हो चुकी है दिस इवेंट इज ऑलरेडी डन दिस इवेंट इज डन तो एग्जाम में आपको कैसे दिखाई देगा गिवन दैट फिर एक स्टेटमेंट होगा तो गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट है वो यही बताना चाहता है कि वो डिनोमिनेटर में इवेंट आना चाहिए क्योंकि वो हो चुका है इट्स डन वो हो चुका है तो उसको डिनोमिनेटर में रखो और जो नया इवेंट है द न्यू इवेंट यू शुड राइट दैट इन न्यूमरेटर समझ में आया तो न्यूमरेटर में न्यू इवेंट आना चाहिए सो इन दैट केस हम फिर से क्वेश्चन पर जाते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हमको क्या फाइंड करना था गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज पास द एग्जामिनेशन हो चुका है तो ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए था सो पास द एग्जामिनेशन कौन सा इवेंट है इवेंट ए इवेंट ए शुड बी इन डिनोमिनेटर उसके आगे द प्रोबलिटी दैट सो प्रोबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स अबाउ नाइन्टी परसेंट अब ये नया वाला इवेंट है ये होने वाला है सो so, ये न्यूमरेटर में आना चाहिए स्टूडेंट गेट्स अबाउट नाइन्टी परसेंट ये तो इवेंट बी था सो बी इज इन द न्यूमरेटर सो यू हैव टू फाइंड पी ऑफ बी ओवर ए क्लियर इन दिस वे यू हैव टू डिकॉर्ड दी कंडीशनल प्रोबिलिटी के क्वेश्चन ठीक है तो अगर आपको पी ऑफ बी ओवर ए चाहिए सो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला वी कैन से पी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑन पी ऑफ ए सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रीवियस स्लाइड से हमें पता है इट इज़ जीरो पॉइंट जीरो फाइव पी ऑफ ए इट वॉज ऑल्सो गिवन जीरो पॉइंट टू सो इफ यू पुट दैट इन डू दैलकुलेटर द आंसर इज वन अपॉइन्ट फोर एज सिम्पल एज दैट समझ में आया चलिए अगर समझ में आ गया है एक और क्वेश्चन आपके सामने एंड एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स पेपर वन एंड पेपर टू दी प्रोबलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन इज जीरो पॉइंट थ्री एंड देन इन पेपर टू इज़ जीरो पॉइंट टू गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन पेपर टू दी प्रोबिलिटी ऑफ फीलिंग इन पेपर वन इज ज़ीरो पॉइंट सिक्स दी प्रोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फीलिंग इन बोथ द पेपर इज वर्ट अब ये वर्डिंग्स आप ध्यान से देखना आपने एक वर्ड तो यहाँ पर देखा ही होगा जिससे आपको पता चल गया कि ये कंडीशनर प्रोबिलिटी का क्वेश्चन है विच वॉज दैट वर्ड गिवन दैट बिल्कुल बट विच आर द इवेंट्स हियर देर आर टू इवेंट्स एंड एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स पेपर वन एंड पेपर टू सो उन्होंने यहाँ पर लेट मी हाईलाइट एक प्रोबिलिटी जिक्र किया है प्रोबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन सो दैट इज माई इवेंट फेलिंग इन पेपर वन सो आई विल से लेट अस से ए इज़ द इवेंट विच रिप्रेजेंट फेलिंग इन पेपर वन सो प्रोबलिटी ऑफ ए वुड बी जीरो पॉइंट थ्री उसके अगर आप आगे देखते हो एंड देन इन पेपर टू इज जीरो पॉइंट टू तो लेट मी टेक अनदर इवेंट बी विच इज फेलिंग इन पेपर टू और उन्होंने दिया है पी ऑफ बी इज ज़ीरो पॉइंट टू बहुत सिंपल तो हमने ये दो लाइन को रिकॉर्ड कर लिया इसके आगे इंटरेस्टिंग है गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन पेपर टू पेपर टू में फेल हो चुका है तो ये वाला इवेंट कौन सा था बी इवेंट फेल हो चुका है पेपर टू में और जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए तो बी डिनोमिनेटर में उसके बाद एक कॉमा है वो बताना चाहते हैं अब ये एक नया इवेंट आने वाला है आगे वॉट इज दैट इवेंट द प्रोबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन ये नया वाला इवेंट है और जो न्यू होता है वो न्यूमरेटर में आता है सो फेलिंग इन पेपर वन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था लेटर ए सो वो ऊपर आ जाएगा एंड उसका प्रोबिलिटी दे रखा है जीरो पॉइंट सिक्स तो आपको फाइंड क्या करना है द प्रोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ दी पेपर इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है विच मीन्स यू हैव टू फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी वॉट सिंपल है पी ऑफ ए गिवन है पी ऑफ बी गिवन है पी ऑफ ए ओवर बी गिवन है यू कैन सिंपली से बाय दी फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन थियरम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इंटू ए हो चुका है और बी होगा या फिर पी ऑफ बी एन टू बी हो चुका है और ए होगा है ना तो इसमें से एक फॉर्मूला यूज करना था इफ यू गो बैक हमको नॉलेज है पी ऑफ ए ओवर बी का अगर पी ऑफ ए ओवर बी का नॉलेज है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए था बेसिकली हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इन टू पी ऑफ ए ओवर बी क्लियर सो इन दैट केस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई हैव टू फाइंड पी ऑफ बी वॉज गिवन एज जीरो पॉइंट टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ जीरो पॉइंट सिक्स सो द आंसर इज जीरो पॉइंट वन टू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आंसर अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया है देर इज वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू टू थाउजेंड सेवेंटीन आई एन में आया था ट्राई दिस क्वेश्चन और अगर सोल्यूशन बन जाए कॉमेंट करके बताइए वॉट इज द राइट आंसर डू कॉमेंट द आंसर एंड आई विल चेक पर्सनली वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग दैट्स इट फॉर टूडे आई होप आपने ये वीडियो को इन्जॉय किया अगर ये वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आ रही है मेक श्योर यू हिट दी लाइक बटन शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ उन्हें बताइए अनएकेडेमी पर क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सो वॉच दी अनएकेडमी यूट्यूब वीडियोज एंड गेट यूर कंसेप्ट क्लियर अगर आप प्लस पर आने की कोशिश कर रहे हो ऑन अनएकेडमी प्लस फॉर गेट एन ईयर सी वेलकम यू कैन यूज़ दी रेफरल कोड एस जे वाई टी टू गेट इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट Okay, तो वहां पर मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा है फ्रॉम स्क्रैच अगर आपके बेसिक्स वीक है यू डोंट नो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यू डोंट नो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स जस्ट कम टू दी प्लस एंड वॉच ऑल दी कंटेंट। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय